ंगल सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द आई गन वैल्यू प्रॉब्लम ओके देखो यहाँ पर ये जो वीडियो है ये ओडी का प्रैक्टिस सेशन बोल सकते हो एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस दस फ्रॉम आई गन वैल्यू प्रॉब्लम फ्रॉम दी एंड कैन ऑल्सो से दिस इज ऑल्सो से द स्ट्राम प्रॉब्लम भी बोलते हैं एंड यहाँ इसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी बोलते हैं ठीक है तो देखो कुछ रिजल्ट यहाँ पर पढ़ेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट वी हियर डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ आर नेट दैट इज द प्यो आई क्यूज ऑफ सी एस आर नेट ओके आई थिंक दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल सेशन बिकॉज इन दिस सेशन वी डिस्कस द क्वेश्चंस इन एंड शॉर्टकट टिप्स ओके बेस्ड ऑन सम समल्ट सो जस्ट वॉच द वीडियो एंड आई थिंक यू विल एंजॉय द वीडियो सो लेट स्टार्ट एंड बिफोर स्टार्टिंग आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल एल वन न्यू

इसके मतलब इसको छोड़ के तो और ऐसा एक प्रॉब्लम भी नहीं है जो एग्ज़ाम में आया है ठीक है मतलब मैं पूरा के पूरा 2011 से 2023 तक क्वेश्चंस पेपर के एनालिसिस करके ये बोल रहा हूँ आपको ठीक है तो देखो जो फास्ट टाइप है वो है ये जो फॉर्म है वाई डबल डैश प्लस लैम y वाई इक्वल टू जीरो जीरो लेस एक्स लेस एल एंड द कंडीशन आर वाई जीरो जीरो एंड वाई एल इक्वल टू ज़ीरो The eigenvalues are given by lambda equal to n square pi square by l square, where n belongs to z plus. Okay. That is the positive uh, integer. And the eigenfunctions are given by y equal to a sine n pi by l into x. That is a sine root lambda into x. So, this is the eigenfunction where a is an arbitrary constant. Okay. So, this is the first type. Now, the type 2 is uh, this is. वाई डबल डैमडा इक्वल टू जीरो सो हियर लैमडा इज दई गन वैल्यू इन द्वेश्चन गेट लैमडा स्क्वासोन यू शुड जस्ट बुट लैमडा स्क्वायर इक्वल टू दिसके सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लैमडा हियर एंड लैमडा स्क्वायर इफ देयर इज लैमडा स्क्वायर देन यू शुड थिंक द प्रॉब एज दिस वे ओके सो देखो यहाँ पर जो है लैमडा है तो एंड यहाँ पर ए लेस एक्स लेस बी वाई एक्वल टू वाई बी एंड

टू एन पाई बाई एल इंटू एक्स दैट इज द सेम फॉर्मूला ए साइन रूट लैमडा इंटू एक्स ओके लैमडा इक्वल टू द स्क्र टर्म नाउ जो थर्ड टाइप का है वो ये है वाईक्वल टू जीरो 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 इक्वल टू जीरो एंड वाई डैस एल इक्वल टू जीरोन द आई गन वैल्यूज गिवेन बाय लैमडा इक्वल टू टू एन प्लस वन बाई टू इंटू पाई बाई एल होल स्क्वायर एंड द आई गन फंगशन ए साइन रूट लैमडा एक्स सर लैमडा इज गि बाई दिस वन ओके सो दिस आर द मेन एट थ्री टाइप्स ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और यू कैन से द आइगेन वैल्यू प्रॉब्लम ना कुछ रेजल्ट यहाँ पर है जो कि है नंबर वन आइगेन फंक्शन आर ऑलवेज लिनियरली इंडिपेंडेंट नंबर टू आइगेन फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू टू डिस्टिंग आइगन वैल्यूज और एंड यहाँ पर टू से ज्यादा भी हो सकता है तो ऑन दैट केस यहाँ पर जो है एक ऑर्थोकोनल सेट फॉर्म करेगा ठीक है नंबर थ्री इज द नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज काउंटेबली इनफाइनाइट देखो यहाँ से एन बिलोंग्स टू जेड प्लस हो रहा है तो ऑब्वियसली ये तो होगा ही नंबर फोर इज द आइगन वैल्यूज कैन बी अरेन्ज इन टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ठीक है सो देखो लैमडा एन जब फाइंड करेंगे एन बिलोंग्स टू एन तो ये जो लैमडा एन होगा मतलब लैमडा वन लैमडा टू लैमडा एन ये जो है एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस फॉर्म करेगा नंबर फाइव जो है वो है द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज आर बाउंडेड बिलो एंड अनबाउंडेड अबव

वाई जीरो ये तो ये जो है टाइप वन का है आप देख सकते हो एंड ये क्वेश्चन है ट्वेंटी दिसंबर डिसम्बर का ठीक है देन नॉन इज तो देखो यहाँ पर है जो कि लैमडा का वैल्यू फाइन करना है मतलब आपको आइगेन वैल्यू फाइन करना है ठीक है तो यहाँ पर क्या था लैमडा था लैमडा इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा एन का वैल्यू क्या एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड देखो यहाँ पर जो है जीरो एंड एल का वैल्यू क्या है एल इक्वल टू पाई है ठीक है मैंने बोला था जो टाइप वन था बाई पाई स्क्वायर डेट मीन सिंपली ये जो हो गया स्क्वायर तो देखो यहाँ से सीधा सीधा आंसर हो जाएगा नंबर ऑप्शन थ्री एन स्क्वायर बाकी कुछ भी एक भी नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है सीस आर नेट ट्वेंटी थर्टीन का है ये देखो क्या बोला है कंसिडर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम डैश प्लस टू यू डैस पाईल टू जीरो कुछ गड़बड़ है लेट के डिनोट द नॉन नेगेटिव इंटीजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू तो देखो ये जो है ये टाइप थ्री का है ठीक है यू जीरो इक्वल टू ए यू डैश पाई तो यहाँ पर एल का वैल्यू क्या है एल का वैल्यू ये पाई एंड थर्ड केस में आई के एन वैल्यू का फॉर्मूला क्या था देखो यहाँ था टू एन प्लस वन बाई टू इंटू पाई बाई पाई बाई एल ठीक है सो लैमडा का जो फॉर्मूला था टू एन प्लस वन बाई टू इंटू पाई बाई एल का होल स्क्वायर था तो देखो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है एन का एल का वैल्यू है एल का वैल्यू जो है पाई तो यहाँ पर पुट कर दो टू एन प्लस वन बाई टू इंटू पाई बाई पाई तो दैट मीन्स ये जो होगा एंड ये होल स्क्वायर होगा ऑब्वियसली सो ये होगा टू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर दैट मीन्स एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर ठीक है दैट मीन्स ये जो आई वैल्यू होगा ये कौन सा होगा देखो यहाँ पर के बोला है तो यहाँ पर जो होगा वो होगा

अब बाउंड्री वैल्यू बॉब्लेन दॉस्पॉन्डिंग आईगेन फंक्शन कॉन्स्टिट्यूट एंड ऑर्थोगल सेट येस ऑब्वियसली मैंने जो रिजल्ट बोला था वहाँ पर ये रिजल्ट था कि ऑर्थोगोनल जो दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन होगा वो ऑलवेज एक ऑर्थोगोनल होगा एंड uh, दो से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑर्थोगोनल सेट फॉर्म करेगा ठीक है एंड यहाँ पर देखो बोला है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ दी वी पी आर वन ये तो करेक्ट है बट यहाँ पर जो आइगन फंक्शन होगा वो के प्लस वन बोला ये इनकरेक्ट होगा इसका लिए ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो आइगन फंक्शन होगा ए साइन रूट लेमडा एक्स रूट लेमडा मीन्स दिस वन दैट इज एन प्लस वन बाई टू इन टू एक्स ये हो जाएगा आइगन एन फंक्शन का सेट एंड यहाँ पर बोला है देयर एग्जिस्ट नो नॉन ट्रिवियल आइगन वैल्यू नो यहाँ पर आइगन वैल्यू ऑब्वियसली एग्जिस्ट कर रहा है आप देख सकते हो तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा ठीक है नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नवंबर 26 2020 जो का जो नेट का प्रॉब्लम है ये बोला है यहाँ पर क्या बोला है देखो द फॉलोइंग टू पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम प्लस टू जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो पाई वाई जीरो टू जीरो ट्रीब्यूअल सोल्यूशन फॉर वाईक् टू जीरो ऑल्सो हैज नॉन ट्रिब्यूल सोल्यूशन फॉर वैल्यू ऑफ हु तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये देखो ये जो है टाइप वन का प्रॉब्लम है वाई जीरो एंड वाई एल यहाँ पर एल का जो वैल्यू है वो है पाई तो यहाँ पर आइगन वैल्यू का फॉर्मूला क्या था एन स्क्र पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर ठीक है यहाँ पर एल तो पाई है दैट मीनस सिंपली एन स्क्वायर हो जाएगा आइगन वैल्यू तो एंड एन बिलोंग्स टू क्या होगा एन बिलोंग्स टू होगा जेड प्लस ठीक है तो देखो यहाँ पर जो है एन स्क्वायर तो करेक्ट है फॉर एन बिलोंग्स टू एन ऑब्वियसली एंड यहाँ पर फॉर एन इक्वल टू वन लेमडा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर होगा वन क्योंकि ये जो वन है ये ऑब्वियसली जेड प्लस में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन टू भी करेक्ट हो जाएगा बाकी जो दो ऑप्शन है नो no वैल्यू नहीं लैमडा ग्रेटर इक्वल टू नहीं देखो लैमडा इक्वल टू जीरो के लिए ऑब्वियसली ट्रिब्यूअल सोल्यूशन होगा एंड यहाँ पर बोला है आपको फाइन करना है कि नॉन ट्रिब्यूल सोल्यूशन दैट्स वाई लैमडा ग्रेटर इक्वल टू जीरो पर करेक्ट नहीं होगा एम आई क्लियर आई थिंक दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल इफ दिस सेशन इज हेल्पफुल देन ऑब्वियसली गिव लाइक टू दिस वीडियो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज कम्स इन सेबर सेक्शन

जो पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस भी बोलते हैं आप एक बार देख सकते हो ये जो टू वाला पोर्शन था ये वाला ठीक है ये जो टाइप टू का था तो यहाँ पर क्या था आई वैल्यूज का फॉर्मूला टू एन पाई बाई एल का होल स्क्वायर ठीक है तो देखो यहाँ पर जो होगा लैमडा का वैल्यू क्या होगा टू एन पाई बाई एल एल मीन्स बी माइनस ए एल का होल स्क्वायर तो यहाँ पर होगा टू एन पाई बाई टू होगा क्योंकि एल इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल टू टू था इसका होल स्क्वायर तो इसका होगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ठीक है तो देखो यहाँ पर बोला है ऑल आई कैन वैल्यूज आर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव यहाँ से आप देख सकते हो कि ये एन बिलोंग्स टू जेड प्लस होगा तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर ऑब्वियसली ये स्ट्रिक्टली uh, पॉजिटिव होगा नॉन नेगेटिव नहीं होगा नॉन नेगेटिव मीन्स ये जीरो इंक्लूड होगा बट इफ दिस इंक्लूड्स जीरो देन वी गो फॉर द ट्रिवियल सोल्यूशन बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द नॉन ट्रिवियल सोलूशन वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ओके दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाएगा एंड यहाँ पर और एक चीज की डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है द सीक्वेंस ऑफ आइगन वैल्यूज आर बाउंडेड एबव नो देखो यहाँ पर एक रीजन मैंने लिखा था कि ये जो होगा बाउंडेड बिलो होगा एंड अनबाउंडेड अबव होगा तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट है ठीक है ऑप्शन फोर भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये बाउंडेड बिलो होता तो तब ये सही होता ठीक है नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम इट्स क्वेश्चन Uh, 2019 जून सेक्शन इट द पॉजिटिव सोलूशन टू वाई पाई एंड वाई डैश जीरो पाई ठीक है और तो यहाँ पर देखो ये भी एक टाइप टू का प्रॉब्लम है तो टाइप टू में क्या था टू एन पाई बाई l का आई थिंक होल स्क्वायर यही था ना जस्ट एंड आई विल चेक वा ठीक है ठीक है तो देखो यहाँ पर क्या होगा एल का वैल्यू क्या होगा एल का वैल्यू होगा बी माइनस ए एंड यहाँ पर बी क्या है बी ए पाई एन एरो पाई ठीक है तो लैमडा का जो वैल्यू होगा टू एन पाई बाई एल का वैल्यू भी पाई इसका होल स्क्वायर दैट इज टू एन स्क्वायर बट सॉरी फोर एन स्क्वायर ठीक है तो देखो यहाँ पर लेमडा स्क्वायर गिवन है तो यहाँ पर लेमडा की जगह हम लैमडा स्क्वायर ही लिखेंगे तो यहाँ पर लेमडा का जो वैल्यू होगा वो होगा टू एन ठीक है आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम तो इसका जो आंसर होगा सिर्फ लैमडा इक्वल टू टू जब यहाँ पर ना लेमडा की जगह लैमडा स्क्वायर मतलब क्वेश्चन में होगा तो यहाँ पर जो यूज करेंगे तो ये लेमडा स्क्वायर या फिर जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में वही ही यहाँ पर यूज करेंगे ठीक है नाउ व नेक्स्ट क्वेश्चन

देखो फास्ट एटमेंट क्या आर एक्जिस्ट ओनली काउंटेबली मेनी कैशरिस्टिक वैल्यू यस दिस इज करेक्ट देर एग्जिस्ट अनकाउंटेबलिबली नो आइगन वैल्यूज होता है काउंटेबली इनफाइनाइट होता है नाउ जो ऑप्शन फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू दैश्टरिस्टिक वैल्यूज लैमडा है, values, exactly 0, पर बोला है of, uh, तो यहाँ पर फर्स्ट कैलकुलेट करते जो आईगेन वैल्यूज होगा वो क्या होगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर एल का वैल्यू क्या है एल का वैल्यू है पाई तो सिंपली यहां पर होगा एन स्क्वायर सिंस एल इक्वल टू पाई तो आइगन फंक्शन क्या होगा आइगन फंक्शन होगा ए साइन रूट लैमडा एक्स मीन सिंपली एन एक्स ठीक है नाउ इफ वी टेक एन इक्वल टू वन देन आइगन फंक्शन क्या होगा वाई इक्वल टू ए कोई एक फंक्शन साइन एक्स ठीक है नाउ ए साइन एक्स ये जो ये साइन एक्स होगा इसका आप ड्रॉ करो जो है कार ठीक है तो ऐसे होता है एंड ये जो लाइन होता है ये होता है पाई तो यहाँ पर क्या है आ, जो है जीरो एंड पाई इंटरमेल में बोला है तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बोला है ईच कैरेस्टरिस्टिक फंक्शन तो ये एक कैरेस्टरिस्टिक फंक्शन है फॉर एनिकल टू वन फॉर एनिकल टू टू यहाँ पर क्या होगा वाई इक्वल टू ए साइन एक्स एंड यहाँ पर एक का कोई काम नहीं है सिर्फ आप साइन एक्स टू एक्स मतलब लिख सकते हो ठीक तो uh, 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 exactly तो है तो बोला है पाई के अंदर इसका uh, कितना जीरो जीरो पाई तो ओपन इंटरवल तो इसका जो नंबर ऑफ है, है जीरो कोई भी जीरो नहीं है देन साइन टू एक्स साइन टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा आई थिंक साइन टू पाई एंड साइन पाई बाई टू में पाई होगा तो ये ऐसे होगा साइन टू एक्स का ग्राफ ठीक है साइन टू एक्स का ग्राफ ये होगा ठीक है तो देखो यहाँ पर एक जीरो होगा ठीक है तो एन इक्वल टू टू के लिए नंबर ऑफ जीरोस क्या हो रहा है नंबर ऑफ जीरो हो रहा है वन दैट मीन्स देखो यहाँ पे एन इक्वल टू टू मीन्स इक्वल टू तो नंबर ऑफ़ जीरोस कैसे यहाँ पर क्या बोला है रूट लेमडा मीन्स एन माइनस वन जीरोज होगा ठीक है तो एन माइनस वन फॉलो कर रहा है इसकी एक आप आप एक बार देख लो देखो फॉर एन इक्वल टू वन ये हो रहा है जीरो नंबर ऑफ जीरो कितना जीरो कितना हो रहा है जीरो फॉर एन इक्वल टू टू ये क्या हो रहा है एन माइनस वन एन माइनस वन मीन यहाँ पे हो रहा है एक एन इक्ल टू टू के लिए टू माइनस वन तो एक हो रहा है ठीक है एंड यहाँ पर देखो यहाँ पर बोला है रूट लेमडा बट रूट लेमडना मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो रहा है हो, होता है मतलब टू होता क्योंकि रूट लेमडा मीन्स एन 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 पॉजिटिव है तो यहाँ पर मॉड गिवन है ठीक है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है देखो यहाँ पर रूट लैमडा माइनस वन जो है ये फॉलो कर रहा है क्योंकि देखो फॉर एन इक्वल टू वन नंबर ऑफ जीरो जीरो बट यहाँ पे इन दैट केस एनी इन जो रूट लेमडा का वैल्यू हो रहा है वो क्या है? हो रहा है वन हो रहा है ये मैच नहीं कर रहा है दैट्स वाई ये जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा ऑप्शन फोर ऑप्शन थ्री ट्रू हो जाएगा आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस आप और भी लेकर देख सकते हो ठीक है मतलब एनिकल टू थ्री लेकर भी देख सकते हो तो ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा ऐसा होगा आई थिंक तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो और बढ़ जाएगा ठीक है तो देखो यहाँ पर एनिकल टू थ्री के लिए एक एंड दो जीरो होगा एनिकल टू थ्री के लिए ठीक है एनिकल टू थ्री के लिए कितना जीरो होगा दो जीरो होगा एंड यहाँ पे देखो लेमडा की जगह रखोगे तो एन माइनस वन होगा तो ठीक है मतलब टू जीरोज होगा तो यहाँ पर ये मैच कर रहे थ्री माइनस वन इक्वल टू टू जीरो हो रहा है तो मैच कर रहे हैं मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है प्रॉब्लम ऑफ इज द प्रॉब्लमडाई जीरो नॉन जीरो कौन सा वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा ठीक है तो देखो तो यह बोला फॉर काउंटेबल नंबर ऑफ लैमडा ये तो फास्टली आप ट्रू कर दोगे देख के ही ना ये प्रॉब्लम को एक बार अच्छे से लिखते हैं तो क्या आएगा देखो एक बार देखो y डबल डैश प्लस जो आमडा माइनस एक्स माइनस वन इंटू वाईक् सपोज देखो x का वैल्यू यहाँ पर ये यह जो है जीरो से वन के अंदर में तो वी कैन टेक एक्स इक्वल टू सपोज आप ले लो हाफ ठीक है कि हाफ ये इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं पर्टिकुलर केस में ठीक है तो यहाँ पर लेमडा स्टार इक्वल टू ले लो लैमडा माइनस एक्स माइनस वन एंड एक्स का वैल्यू हाफ लिया है यहाँ पर तो क्या आएगा लैमडा माइनस हाफ माइनस वन थ्री बाई टू लेते हैं सपोज ठीक है ना हो ये जो प्रॉब्लम है ये सपोज लैमडा स्टार है तो लैमडा स्टार का वैल्यू क्या आएगा लैमडा स्टार का जो वैल्यू आएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क् फार्मूला टाइप वन का ठीक है एंड यहाँ पर एल का वैल्यू क्या है एल का वैल्यू है जो है वन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई वन एन स्क्वायर स्क्वायर एंड पाई ठीक ठीक है है पर क्या बोला देखो लैमडा का वैल्यू फाइंड करना है मतलब क्या है यहाँ पर लैमडा स्टार मीन लैमडा माइनस थ्री बाई टू ये होगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ठीक है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर तो एक चीज देखो ये वैल्यू कौन सा इंटरवेल में जो यहाँ पर गिपे ने गि मतलब बिलोंग uh, कर रहा है तो इनका जो लोएस्ट वैल्यू है वो है वन होगा तो लैमडा का वैल्यू क्या होगा लैमडा का वैल्यू होगा पाई स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू तो लैमडा का मिनिमम जो वैल्यू है फॉर एनिकल टू वन होगा लैमडा पाई स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू एंड हुईच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन टू क्योंकि पाई का जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट थ्री पॉइंट वन फोर है एंड थ्री पॉइंट वन फोर का स्क्वायर जो होगा नाइन पॉइंट समथिंग होगा प्लस थ्री बाई टू व्इ इज मच मच ग्रेटर देन क्या है कि टू तो देखो यहाँ पर जो इंटरवल है लेमरा लेस देन जीरो कभी भी नहीं बनेगा जीरो से वन में नहीं बनेगा यहाँ पर ओनली वन केस है टू से इन्फिनीटी तो ओनली राइट साइड का जो केस होगा मार्च ग्रेटर देन ग्रेटर देन टू तो ऑब्वियसली हो ही रहा है तो यहाँ पर जो है आप ये जो एग्जाम्स के पे मतलब ये एक्स का जो एक वैल्यू चूज करके आप करोगे तो बहुत इजीली ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएगा सो आई थिंक दिस सेवन क्वेश्चंस हेल्प यू लिट विल बीट अबाउट दिस पोर्शंस ऑफ आइगन वैल्यू प्रॉब्लम ओके So these are the different problems. Uh, I'll uh, try to cover these problems uh, from the C S N net uh, point of views or PYQs. Okay. So if the session is helpful, then obviously give a like to this video, share it with your friends, and obviously uh, subscribe the channel. Okay. Thank you, friends. See you again in the next video. Thank you.